नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में, जहां पे एसएससी सीजीएल का मार्कशीट रिलीज कर दिया गया है। अब आप अपने स्कोर को देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया था एसएससी सीजीएल टीयर वन की एग्ज़ाम में, और नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना मार्क्स मिला, और साथ में आप फाइनल आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आप अपना मार्क्स देख सकते हैं वो इस वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं, ssc.nic.in पर। यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है जो आपने सेट किया होगा कभी। तो काफ़ी बच्चों के पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो फॉरगेट यहाँ लिखा है ना, फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, हम क्लिक करते हैं जिनके पास नहीं है। अब जैसे फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया उस जोन को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने झारखंड को अप्लाई किया है, और यहाँ से मान लीजिए जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, जैसे मैं अपना आई डी देता हूँ यहाँ पर चंदन VVS, ठीक है, मैं अपना आई डी यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना आईडी यहाँ लिखूँगा वैसे मुझे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक ओटीपी आएगा, अभी मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, gmail.com। अब पे हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे जैसे आप सबमिट कीजिएगा मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल या फिर ईमेल आईडी, जहाँ भी आपको ओटीपी मिल जाता है वो ओटीपी को आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, मोबाइल पे जैसे मैसेज आया तो मोबाइल का ओटीपी आप डालिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये कैप्चा लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद जैसे आप सबमिट कीजिएगा वैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि नया पासवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, नया पासवर्ड आप सेट कर दीजिएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि दोबारा से आपको ssc.nic.in आपको खोलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ssc.nic.in आपको दोबारा से खोलना है पासवर्ड सेट करने के बाद। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद आप जैसे लॉगिन कीजिएगा उसके बाद आपको दिखेगा। जैसे मुझे अभी याद है रजिस्ट्रेशन नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ दिखा रहा है। अगर आप पे किसी पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है रिजल्ट और मार्क्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिजल्ट और मार्क्स पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप इसी तरह से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। सबमिट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर सबमिट और रिसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप रिसेट और सबमिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर जब जाएंगे तो आंसर की आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, आंसर की का एक ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, आंसर की का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे दिया होगा कि सीजीएल टीयर वन अपलोडिंग आंसर की अलॉन्ग विथ क्वेश्चन पेपर के साथ आपका आंसर की आ चुका है। तो दोनों में से कोई एक के पहला वाला लिंक मुझे लगता है कि आंसर की का पहला वाला लिंक होगा, और शायद मुझे लगता है कि आंसर की डाउनलोड का लिंक यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू फाइनल आंसर की अलॉन्ग क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इस लिंक को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यूज़र आईडी जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, और पासवर्ड। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, यहाँ पर जैसे लॉगिन कीजिएगा आपका आंसर की फाइनल आंसर की आपके सामने आ जाएगा। तो इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।